हाय, क्या फेशियल मसाज जेन्युइनली हमारी स्किन को 5 से 10 साल तक यंगर दिखा सकता है? तो चलिए फिर जानते हैं आज के इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग डॉक्टर विंगार्डियम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड लविंग वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हर एक वो टेक्निक, हर एक वो टूल, हर एक वो ऑयल जो हम अपने फेशियल मसाज में यूज़ कर सकते हैं, प्लस हमें क्या चीज़ें फेशियल मसाज करते हुए नहीं करनी है, एवरीथिंग अबाउट फेशियल मसाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें क्या टूल चाहिए और क्या ऑयल चाहिए। इफ़ आई टेल यू कि फेशियल मसाज करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट इज़ फेशियल ऑयल एंड सेकेंड इज़ हमारे हाथ। सबके पास है ना, कर सकते हैं ना अपनी फेशियल मसाज खुद। तो जो मार्केट पे इतने सारे टूल्स हैं उसका क्या यूज़ है भाई? देखिए, अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में अभी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप टूल लाकर तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपको वो अच्छे से अप्लाई करना भी नहीं आएगा। हो सकता है आप कुछ गलत कर ले और गलत आपको रिजल्ट मिले। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उन्हीं को प्रेस करें और उसी से ही गुड रिजल्ट्स पाए। आप कुछ गलत टेक्निक अपने लिए यूज़ ना करें। तो टूल्स आर वेस्ट, जो एनर्जी हमारे हाथों में है वो बेस्ट है, वो इनफ है हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने के लिए। अभी बात करते हैं फेशियल ऑयल के बारे में। तो देखो, जब मैंने फेशियल मसाज करना शुरू किया, मैं बहुत लेज़ी हूँ, मुझे मन नहीं करता। मैं कभी कभी करती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एवरीडे बेसिस पे नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत आलस आता है। बट आप एक हफ्ते कंटिन्यूटी में करेंगे ना, यू कैन सी द विजिबल रिजल्ट। जब भी मुझे यहाँ से फाइन लाइन होना शुरू होता है ना, तो मैं फेशियल मसाज करना शुरू करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, एक हफ्ते में वो फाइन लाइंस ऐसे गायब हो जाती है। तो ऑयल कौन से यूज़ करने हैं? यू कैन यूज़ आलमंड ऑयल, यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल, यू कैन यूज़ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, यू कैन यूज़ आर्गन ऑयल। ये चारों में से कोई भी ऑयल आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर ये जो चारों ऑयल आप खरीदें वो एक्स्ट्रा वर्जिन, लाइक कोई हीट से ना गए हो, नेचुरल हो, चाहे आप थोड़ा ही ले बट नेचुरल हो, कोई भी उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं होने चाहिए। सो जब मैंने सर्च किया कि चलो अच्छा सा कोई फेस ऑयल लेते हैं, तो मुझे ये वाला फेस ऑयल आया एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। देन आई रीड अबाउट इट, मैंने पता किया कि क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसा है, तो मैंने इसे घर पर ही अपने लिए बना लिया। अनार हम डेली बेसिस पे खा ही लेते हैं, हफ्ते में एक बार तो ये फ्रूट हम हमारे घर पे आता ही है, उसके पील्स हम ऐसे ही वेस्ट में फेंक देते हैं। आपको क्या करना है, उसके जो पील है उसको आपको ड्राई करने से पहले ग्राइंड कर लेना है अच्छे से, उसके बाद आपको उसे ड्राई होने देना है। प्रॉपर धूप में नहीं ड्राई करना है, आप किसी उसे शेडी प्लेस पे, एयरी प्लेस पे रख दीजिए, वो 2 से 3 दिन में ड्राई हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से ग्राइंड करना है, एक फाइन पाउडर आपके पास आएगा जिससे आप स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्ट पील्स को ड्राई करेंगे उसके बाद उसे अगर ग्राइंड करेंगे ना, वो ईजिली ग्राइंड नहीं हो पाता है, प्लस उस वो पील इजीली ड्राई नहीं हो जाती, कई बार उसमें फंगस भी लग जाता है। तो बेस्ट थिंग जो ये मैं पाउडर घर पे बना पाती हूँ, उसका सबसे बेस्ट टेक्निक यही मुझे अभी तक लगा, क्योंकि पहले मैं भी पील को ड्राई करती थी, ऑरेंज पील्स वगैरह को ऑरेंज पाउडर बनाने के लिए, तो वो बहुत फेल एक्सपेरिमेंट रहता था मोस्टली। तो आप ऐसे ट्राई कीजिए एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि रिजल्ट मिला ऐसे या नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये कुछ नहीं हो रहा, हम इससे कुछ नहीं कर सकते। लाइक इरिटेशन होती है ना जब वो नहीं पाउडर बन पाता, कई बार मिक्सर भी ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से ट्राई करिए अपने लिए एंड प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में कि आपको रिज़ल्ट मिला या नहीं। सेकेंड चीज़, अगर मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, तो ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, हमारे फेस पे अगर कोई पिगमेंटेशन है उसको रिमूव करता है, हमारे ओपन जो पोर्स हो जाते हैं उनको बंद करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये कोमेटोजेनिक, इसमें एक सब्सटेंस होता है जो हमारे पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करता है, टाइटन करने में हेल्प करता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। इसको आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में, आर्गन ऑयल वगैरह में आप नहीं करेंगे। जिस तरह से मैं प्रिपेयर कर ली हूँ पहले उसको देख लेते हैं। सो ये फेशियल ऑयल प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसे मैंने गर्म पानी में लिक्विड स्टेट में जाने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 से 1.5 चम्मच पोमोग्रेनेट पील का एंड इसे 5 से 10 मिनट तक आपने इसी में रहने देना है, ताकि ये अच्छे से इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। आपको इस तरह से ऑयल प्रिपेयर करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, इसका पाउडर आप ऑयल में डाल के रख लीजिए, बाहर धूप में रख लीजिए, 5 से 10 दिन तक ऑयल में मिक्स करके शाम को अंदर ले आइए, आपका वो ऑयल ऑलरेडी इन्फ्यूज़ हो जाएगा। एंड देन यूज़ दिस ऑयल फॉर योरसेल्फ।
अभी बात करते हैं कि फेशियल मसाज करनी कैसे हैं। दिन भर की थकान निकालनी हो या ऑफिस का स्ट्रेस, फेशियल मसाज इज बेस्ट फॉर ऑल। फेस मसाज को हमें मोस्टली नाइट टाइम पे करना चाहिए क्योंकि रात के समय हमारी स्किन अपने आप को रिपेयर करती है, हील करती है। तो नाइट टाइम इज बेस्ट फॉर फेशियल मसाज। फेशियल मसाज हमारे फेस के सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करके हमारे पफिनेस, इन्फ्लेमेशन और जितनी भी गंदगी हमारी स्किन में होती है उसे लिम्फेटिक ड्रेनेज से बाहर निकाल फेंकती है। जब भी आप फेशियल मसाज स्टार्ट करें, मेक श्योर कि आप नेक एरिया से अपवर्ड डायरेक्शन में पहले स्टार्ट करें और अपने कॉलर बोन तक मसाज करें। उसके बाद आप आए अपने चीक्स पे, नोज़ पे, आईज पे और फोरहेड एरिया पे। ये फोटो में जो आपको एरियाज दिख रहे हैं ये हमारे कुछ लिम्फेटिक नोड्स हैं जिनको प्रेस करके हम अपने फेस की सारी गंदगी को इजीली रिमूव कर सकते हैं। हमारे एयरड्रम के पीछे जो एरिया है उसको प्रेस करने से हमारे फेस पे जितनी भी पफिनेस होती है, जिनको आई स्वेलिंग की या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो सारी रिमूव हो जाती है। आपने नोज़ कंटोरिंग के बारे में तो सुना ही होगा, तो आपको उसके लिए फाउंडेशन या किसी नोज़ कंटोर की ज़रूरत नहीं है। आप फेशियल मसाज से अपनी नोज़ को एटलीस्ट 15 डेज में फिक्स कर सकते हैं। द वे आई एम डूइंग दिस मसाज हेयर, आपको एग्जैक्टली इसी तरह से करना है, आपको कोई भी डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई नहीं करनी है। समटाइम्स इस वजह से हम अपने फेस को ख़राब कर सकते हैं। नोज़ की जो मसाज होती है अगर आप उसे प्रॉपरली करें तो आप अपने नोज़ की शेप को अपने अकॉर्डिंगली ढाल सकते हैं। आपको बस प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना है एंड अपने हिसाब से नोज़ को प्रेस करना है। अभी हम आ जाते हैं अपने आई मसाज पे। आई मसाज के लिए आपको अपना मिडल फिंगर और रिंग फिंगर लेना है एंड सर्कुलर मोशन में वेरी जेंटली प्रेस करना है अपने नोड्स को। एंड इसी तरह से आपको अपने फोरहेड पे भी मसाज करना है, अपने आईब्रोज पे भी मसाज करना है ताकि सारा का सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके फेस पे आए। जब आपको थोड़ा सा गर्माहट फील होने लगे ना अपने फेस पे तो समझ जाइए कि आपकी मसाज बहुत अच्छे से हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद जो आपको नींद आएगी ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी नींद आपको कभी नहीं आई होगी। अगर आपको नींद को लेकर भी इश्यू है, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो रही है, तो ट्रस्ट मी आप सोने से पहले फेशियल मसाज अपने लिए डेफिनेटली करिए एंड सी द गुड रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। So that's it for today's video. I hope you like the video. Trust me, during the facial massage मुझे इतना relax feel होता है, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत ही deep sleep आती है, बहुत ही relaxing feel होता है और जो blood circulation इकट्ठा होता है ना face पे, उस गर्माहट से जो relaxing feel होता है ना, कोई भी चीज़ उसको change नहीं कर सकती। So try it for yourself and लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ताकि उस पर मैं आगे चलकर वीडियो बना सकूँ। सो अभी तक मेरे पास जितने कमेंट्स आए थे उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं ताकि मैं बना पाऊँ कोई और वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Do like, share and subscribe to my channel. Bye-bye.